बुधवार को मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के इंदौर कार्यालय पर छात्र छात्राओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल 2019 में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा PSC की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित हुए छात्रों का मुख्य परीक्षा में COVID-19 के कारण चयन नहीं हो पाया है। साथ ही 2020 में आयोजित की गई MPPSC की परीक्षा का रिजल्ट भी अभी तक घोषित नहीं किया गया, जिसे लेकर पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं ने प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदर्शन के बाद छात्र छात्राओं ने आयोग के उप सचिव रानी सहाय को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि आयोग द्वारा कोर्ट में लंबित मामलों का बहाना बनाकर लंबे समय से रिजल्ट रोका जा रहा है। साथ ही COVID-19 का नाम लेकर 2019 मेंस का रिजल्ट आज तक जारी नहीं किया गया है। इस मामले में आयोग के उप सचिव रानी सहाय का कहना है कि छात्र छात्राओं ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वह अपनी समस्याएं जाहिर की है, जिसे आयोग को भेजा जा रहा है। काशी छात्राओं द्वारा और एक होने के बाद कही गई है, जिसका निर्णय प्रदेश शासन द्वारा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत 3 वर्षों में कोई भी परीक्षा लगातार नहीं की गई है। उसका कारण रहा है कोर्ट केस, जिसके ऊपर लगातार केस चल रहा है। परंतु कुछ बिंदु हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। एक, प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर कोई भी रोक नहीं है, उसका परिणाम यथाशीघ्र जारी करें। 2, हर स्टेट में एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिल रहा है। जो बच्चा आज अगर DSP के पोस्ट भरना चाहता है, वो 32 साल अगर क्रॉस कर जाएगा तो वो कभी नहीं भर पाएगा, या 40 साल क्रॉस कर जाएगा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 विज्ञापन अपने ऐसे दिए हैं जिनमें 2021 की एज रखी है। 3, इनके साथ में जो कैलेंडर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि 23 नवंबर को आप मेंस लेते हैं और बच्चे का रिजल्ट आपने नहीं दिया है तो तैयारी कैसे करेगा? बाकी ठाकुर सर बताएंगे माध्यम से कि सरकार का जिस तरह के स्टूडेंट के प्रति बेरुख रवैया है, इसके खिलाफ अभी सभी छात्र एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि PSC को साफ कह दिया गया है कि आपको कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपना रिजल्ट दायरे से बाहर है उनके, तो वो लोग जारी कर सकते हैं। लेकिन PSC की तरफ से अभी मैडम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी नहीं कह सकती हैं। GAD को उन्होंने भेजा है, एक ज्ञापन वहाँ से आएगा, रिप्लाई आएगा, मतलब कि वो कोई तिथि निश्चित नहीं दे रहे हैं। और हम यहाँ पर निश्चित तिथि की मांग करने आए थे, क्योंकि 2 साल से हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग कौन कौन सा परिणाम रुके पड़े हुए जी? पहला तो ये कि हमारा 2019 का मेंस का रिजल्ट रुका हुआ पड़ा है। बच्चे तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर वो सिलेक्ट हुए तो तैयारी करेंगे, नहीं हुए तो पता चला वो फिर प्री की तैयारी करें। और 2020 का जो प्री है उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और ये 2-3 साल से चल रहा है, ये 2021 चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग ये इस मीडिया के माध्यम से आप सबका पहले तो थैंक यू बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए और इस कवरेज को पूरे MP में बताइएगा, ताकि वो लोग ये समझ पाए कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। दिनेश ठाकुर जी सर। आज छात्र आए थे और वो 2019 वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए मेंस के लिए और प्रीलिम्स जो 2020 वाली हुई थी उसके रिजल्ट के लिए, और वो आने वाले विज्ञापन 2021 के लिए बोल रहे थे, जिसमें सभी को बताया गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है और समस्त चीज़ों का पालन करते हुए रिजल्ट शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। और 2021 की PSC के लिए भी मांग पत्र सभी विभागों से मंगाए गए हैं और अतिशीघ्र लगभग नेक्स्ट मंथ के अंदर ही 2021 का विज्ञापन भी जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एज का जो क्राइटेरिया है उन्होंने कहा कि बाकी स्टेट्स में बढ़ाया गया है, क्या आप लोग विचार कर रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि एलिजिबिलिटी के बहुत ज़्यादा मायने रखती है? एज के लिए जो उनकी डिमांड की जा रही है, मैंने उनको बोला है कि लिखित में वो आवेदन दे दें। एज का निर्धारण शासन स्तर पे किया जाता है, यह निर्णय PSC द्वारा नहीं लिया जाता है। उनके ज्ञापन को शासन पे भेजा जाएगा और वहां से निर्णय अनुरोध किया जाएगा। कोर्ट को लेकर कहा है कि कोर्ट के डिसीजन ने स्वतंत्रता दे दी है PSC को रिजल्ट जारी करने के लिए, फिर भी रोका जा रहा है कोर्ट, ये चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करने की बात है। एक्चुअली कोर्ट ने एंट्रेंस स्टेज के रिजल्ट के लिए नहीं कहा, उन्होंने अंतिम चयन पे कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होगा ये निर्णय है, और इंटरमीडिएट स्टेजेस का रिजल्ट डिक्लेयर करने पे नहीं है डेफिनेटली, और वी आर डूइंग दैट, हम लोग उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। मैम कोविड ईयर आपको लगता है पहले बहुत ज़्यादा डिलेड हो गए, क्योंकि 2 ईयर्स ऐसे ही चले गए, उसके बाद अभी भी जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपको लगता है कि आप, क्योंकि जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंगली आने वाले दिनों में क्या हमें या फिर कोविड की वजह से तो हर ही चीज़ अफेक्ट हुई है, सभी की लाइफ अफेक्ट हुई है,
डेफिनेटली हम लोगों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, तो वो तो है ही, बट वी आर ट्राइंग टू स्टिक टू आवर टाइम टेबल और जल्दी जो जहाँ जहाँ पे लैग आ रहा है वहाँ को हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम मिसेज राखी सहाय।